हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ मूवी मोर देन ब्लू। ये 2009 की मूवी है, 7.6 इसकी आईएमडीबी रेटिंग है। ये एक कोरियन ड्रामा रोमांटिक मूवी है। ये मूवी इतनी अच्छी है और इतनी हार्ट ब्रेकिंग है, तो इस मूवी को देखते वक्त आप 4-5 बार रो दोगे। ये मूवी के डायरेक्शन, डायलॉग्स सभी टॉप नॉच है। आपको फर्स्टली लगेगा कि ये मूवी किस डायरेक्शन में जा रही है, पर जैसे मूवी अनफोल्ड होती है तब सब सेंस करने लग जाता है। ये कहानी है के और क्रीम की। एक को कैंसर होता है, इसलिए वो क्रीम को पता नहीं पाता कि वो उससे कितना प्यार करता है। तो ठान लेता है कि उसे क्रीम के लिए बहुत ही अच्छा पति ढूंढना है। यही इस मूवी की स्टोरी है, पर बहुत ही अच्छी इस मूवी को बनाया गया है। तो आज मैं आपको ये मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो दिखाया गया है। वहाँ का जो सिंगर होता है उसे वो लिरिक्स पसंद नहीं आ रहे होते। इस सॉन्ग का जो डायरेक्टर होता है उसे बहुत ही हरी होती है। ये एक ड्रामा के लिए सॉन्ग होने वाला होता है और कैसा भी सॉन्ग हो उसे लग रहा होता है कि ये रिकॉर्ड हो जाना चाहिए। और वो सिंगर उसे कहता है कि मैं इस गाने को फील ही नहीं कर पा रहा, तो मैं इसे कैसे रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये दोनों इस इशू को डिस्कस करते हुए कार में बैठे हुए होते हैं। उनका जो ड्राइवर होता है वो बोलता है कि मुझे एक बहुत ही अच्छा रोमांटिक गाना पसंद है। ये एक एल्बम का होता है और एक ओल्ड एल्बम होता है। ये जो सिंगर होता है फिर ये गाना लगाने के लिए बोलता है। इन्हें फिर आइडिया आता है कि जिन्होंने इस एल्बम को लिखा है अगर वो मिल जाए तो उससे हम अपना गाना लिखवा सकते हैं। फिर वो ड्राइवर से उस सॉन्ग राइटर के बारे में पूछते हैं, पर उसे कुछ पता नहीं होता। जिस स्टूडियो का ये गाना होता है उस स्टूडियो के एक एम्प्लॉय को उसका बॉस जानता है, तो इसलिए उसे मिलने के लिए वो जाते हैं। ये जो एम्प्लॉय होता है अब उसने जॉब छोड़ दी है और एक कैफे में काम कर रहा है। फिर रात में वो उसके पास पहुँच जाते हैं। वो उसे पूछते हैं कि इसका सॉन्ग राइटर कौन है। वो कहता है कि वो मर गई है, उसका नाम क्रीम था। फिर इस गाने का जो डायरेक्टर होता है वो के होता है। फिर उसके साथ काम के करता था, तो के बारे में भी वो पूछते हैं, तो वो कहता है कि के उससे पहले ही मर चुका था। फिर वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, वो पूछते हैं कि ये कैसे हुआ, तो वो कहता है कि बहुत ही लॉन्ग स्टोरी है। ये भी सुनने के लिए रेडी हो जाते हैं। फिर हमें स्कूल के ग्राउंड में एक लड़का भागता हुआ दिखता है, इसका ही नाम के होता है। इसी ग्राउंड के पास क्रीम अपनी सिगरेट स्मोक कर रही होती है। के फिर एक बेंच पर आकर पढ़कर आराम करता है। ये देखती है कि कोई आ रहा है और वो सिगरेट पी रही, इसलिए वो ट्रबल में आ सकती है, तो ये सिगरेट वो के मुंह में दे देती है। स्कूल का सुपरवाइजर फिर के को बहुत ही पनिशमेंट करता है। उस पर उसके पैर पर उसने बहुत सारा मारा हुआ होता है। तो के जब घर पर आता है तो क्रीम उसे मिलने के लिए आती है। क्रीम उसे मलम लगाती है। फिर उसने अब के का घर देखा है तो उसे कहती है कि इतना बड़ा तुम्हारा घर है, तुम्हें बोर नहीं होता? तुम कैसे यहाँ अकेले रह सकते हो? फिर उसे कहती है कि हम दोनों का एक साथ रहना चाहिए। उसे किस कर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डायरेक्टली वो दोनों मूव इन हो गए हैं, ये हमें दिखता है। ये जब वो सब कर रहे होते हैं तो क्रीम उसे कहती है कि हम दोनों को अपने नाम बदल देने चाहिए। इन दोनों के नाम के और क्रीम नहीं होते, पर ये एक दूसरे के नाम रखते हैं। फिर के हमसे बात करने लग जाता है। वो कहता है कि ये जो क्रीम है ये हमेशा क्रीम की तरह है, सॉफ्ट है, ब्यूटीफुल है, तो इसलिए इसका नाम मैं क्रीम रखना चाहता हूँ। के का भी नाम जो होता है वो ऐसे भी वो रख लेता है, उसे उतना फर्क नहीं पड़ता। के और भी हमसे बात करता है। वो कहता है कि हम दोनों में बहुत सारा कॉमन है, हमारी एज सेम है, हम दोनों को नूडल्स अच्छे लगते हैं, हम दोनों को बारिश में कॉफ़ी पीना अच्छा लगता है, और हम दोनों को स्कूल ना पसंद है। वो दोनों अकेले ही होते हैं, उन दोनों के पेरेंट्स नहीं होते और वो दोनों ऑर्फन होते हैं। बहुत सारे सीन इसमें दिखाए गए हैं कि कैसे वो लाइफ का मजा ले रहे हैं। ये अब एक साथ रहते हैं पर इनमें कुछ रोमांटिक रिलेशनशिप डेवलप नहीं हो पाई। क्रीम हमें कंसर्न में जाती हुई दिखती है, म्यूजिशियंस से मिलती है, उन्हें डेट करती है, ये सब चीज़ें हमें दिखती हैं। फिर हमें के कहता है कि मैं इससे बहुत ही प्यार में हूँ, हर चीज़ मुझे इसकी अच्छी लगती है, ये जैसे ब्रीथ करती है उसके भी मैं प्यार में हूँ। हमें क्रीम किसी अमीर लड़की को भी डेट करते हुए दिखती है। हमें कहता है कि किसी को प्यार करना इसका मतलब है उसे सब कुछ दे देना। रोमियो ने जहर पी लिया था क्योंकि उसे यही लगा था कि वो जूलियट के बिना जिंदा नहीं रह सकता। के आर्मी में भी जाकर आता है। जब वो वापस आता है तो क्रीम उसका वेट ही कर रही होती है। वो फिर से मूव इन कर लेते हैं। फिर के हमें कहता है कि मैं इसे बहुत ही प्यार करता हूँ, पर मैं इसे कभी कह नहीं पाऊंगा। के को कैंसर होता है और वो कभी भी मर सकता है, इसलिए उसे कह नहीं पा रहा, क्योंकि ये जो कंडीशन होती है ये हेरिडेटरी होती है। इसकी वजह से उसके बॉडी में हमेशा कैंसर सेल्स होते हैं जो कभी भी एक्टिवेट हो सकते हैं और मर सकता है। अब मूवी की स्टोरी स्टार्ट हो जाती है। मूवी और के दोनों एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में काम करते हैं जहाँ सॉन्ग रिकॉर्ड होते हैं, बहुत सारे रेडियो के शोज रिकॉर्ड होते हैं। के इस ऑफिस में होता है और जैसे हमने देखा मूवी के फर्स्ट में जो सिंगर था वो कैसे भी मिलता है।
उस सिंगर को पता नहीं होता कि वो कैसे पहले भी मिला था, पर वो उसे जानता है। फिर एक मीटिंग में क्या आता है, ये जो मीटिंग होती है ये एक साउंड प्रोड्यूसर और उसके आर्टिस्ट के साथ होती है। उसकी जो आर्टिस्ट होती है वो एक लेडी होती है और इसके प्यार में होता है, इसलिए वो उसके लिए एक एल्बम प्रोड्यूस करना चाहता है। ये जो लड़की होती है इसके नाम दिया गया होता है कैट गर्ल। इसका एल्बम वो प्रोड्यूस करना चाहता है, इसीलिए वो कैसे मिल रहा होता है। ये जो होता है ये एक रेडियो शो चलाता है, इस शो में वो इस एल्बम को एडवर्टाइज कर सकता है, इसलिए वो ये मीटिंग हो रही होती है। जब ये मीटिंग खत्म हो जाती है तो ये प्रोड्यूसर के को पैसे देने की कोशिश करता है, के इसके लिए मना कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें रिकॉर्डिंग दिखाई गई है, यहाँ है प्रोड्यूसर कैट गर्ल को डायरेक्ट कर रहा होता है कि कैसे उसे सिंग करना है। यहाँ पीछे क्रीम गाने लिख रही होती है, वो अपने गाने के जो लिरिक्स होते हैं वो इस डायरेक्टर को सुनाती है। वो कहता है कि इससे अच्छा तुम लिख सकती हो, ये ज़रा चीज़ी लग रहा है। जो डायरेक्टर सजेस्ट करता है वो भी चीज़ी होता है, तो क्रीम इस पर चिढ़ जाती है, वहाँ से निकल जाती है। वो डायरेक्टली उस कैट गर्ल के स्टूडियो में आ जाती है, उसे कहती है तुम्हें किसने बोला कि तुम गाना गा सकती हो, यानी कि वो बहुत ही घटिया गाना गाती है, उसे कहकर वहाँ से चली जाती है। फिर के हमें एक डॉक्टर के पास दिखाया गया है। डॉक्टर उसे कहता है कि बॉडी तुम्हारी कितनी ख़राब है, इतनी सारी बीमारियाँ जो जनरेशन से चली आ रही है। के जब घर पर आता है तो क्रीम रो रही होती है, उसे हक करता है और कहती है कि मेरा गाना उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। के उसे सहलाता है। फिर क्रीम उसे पूछती है कि तुम्हें अगर कुछ भी तुम बन सके तो तुम क्या बनोगे। तो वो कहता है कि मैं पेयर ऑफ ग्लास, टेबल, बेड, इस तरह की चीज़ें बनूंगा, यानी कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकूँ, यानी कि तुम मुझे कभी बाय कर सकते हो और मैं तुम्हारे साथ हमेशा रह सकता हूँ। जब रात होती है तो किम उसे पूछती है कि मुझे तुम्हारा डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट बताओ। फिर क्या कहता है कि मुझे तुम अच्छी लगती हो, या क्रीम को भी पता होता है, उसे भी वो अच्छा लगता है। फिर क्रीम उसे पूछती है कि अगर तुम्हारी एक विश हो जो लाइफ में तुम कुछ भी कर सको तो तुम क्या मांगोगे। कहता है कि मेरी विश तुम्हारे लिए है कि तुम एक अच्छा सा लड़का ढूंढो और उससे तुम शादी कर लो और अच्छे से लाइफ जियो, यही उसकी विश होती है। जबकि क्रीम के साथ गाना रिकॉर्ड कर रहा होता है तो एक दूसरे से जेस्चर करके ही बात करते हैं, एक दूसरे पर वो हंसते हैं। कि यह अपने कंप्यूटर पे लिख रहा होता है कि मैं जो यहाँ जिंदा हूँ ये तुम्हारे लिए आया हूँ, मैं पूरे हेवन से तुमसे प्यार करने के लिए इस धरती पर आया हूँ। अपने अपार्टमेंट में फिर ये दोनों दिखाए गए हैं कि क्रीम से कहता है कि तुम्हारा जो टो है ये सबसे बड़ा है, इसका मतलब है तुम्हारी मदर तुमसे ज़्यादा जिएगी। क्रीम उसे कहती है ये तुम कुछ भी बात कर रहे हो, मेरे मदर फादर पहले ही मर चुके हैं। वो फिर केक को धमकी देती है कि अगर तुम मुझसे पहले मरे तो मैं तुम्हें मार दूंगी। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि क्रीम ऑफिस में होती है, वो कॉफ़ी मशीन के पास आती है पर कॉफ़ी मशीन काम नहीं कर रही होती है, उसके पास कप नहीं होता। तो वहाँ एक डॉक्टर होता है जो कॉफ़ी पीकर उसने अपना कप वही रखा होता है, तो उससे वो कप मांग लेती है, उसी की कप में वो ये कॉफ़ी पी लेती है। वो जाते जाते बोल कर जाती है कि ये तो किसिंग की तरह है। ये डॉक्टर उसे देखते रह जाता है। नेक्स्ट दिन जब होता है तो उस डॉक्टर के पास ही जाती है। ये जो डॉक्टर होता है ये एक डेंटिस्ट होता है, उस डॉक्टर से वो दांतों को कुछ वर्क करवा रही होती है। फिर वो डॉक्टर से कहती है कि पहले दिन हमने किस किया, दूसरे दिन मेरे अंदर तुमने झांक दिया, तीसरे दिन हम क्या करेंगे, ये कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में दिखता है कि क्रीम और के दोनों बाथरूम में होते हैं। फिर वो उसे कहती है कि मुझे पैर हो गया है, वो डॉक्टर है, वो उसी रेडियो पर काम करता है, ये भी उसे कहती है। इस डॉक्टर का भी एक शो होता है, वहाँ वो काम करता है। के ये न्यूज़ अच्छे से रिसीव नहीं कर पाता और बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। फिर रेडियो के एक एम्प्लॉय से वो पूछता है क्या तुम उस डॉक्टर को जानते हो, तो ये एम्प्लॉय उसे जानता है और कहता है कि वो बहुत ही अच्छा डॉक्टर है। उसके सिचुएशन के बारे में के उससे पूछता है तो कहता है कि वो अच्छी फैमिली से आता है, अच्छे से रिच है, तो के को अब ज़्यादा वरी करने की ज़रूरत नहीं है, पर फिर भी वो उसकी वरी करता है। वो फिर इंश्योरेंस कंपनी को कॉल करता है, वो उस डॉक्टर के बारे में सब कुछ उनसे पूछता है, उसके जो मेडिकल हिस्ट्री है उनसे पूछ रहा होता है, यानी कि उस डॉक्टर को कुछ बीमारी ना हो जाए। फिर हमें दिखता है ये जो प्रोड्यूसर था जो कैट गर्ल को प्रोड्यूस कर रहा था उसे उससे फेवर चाहिए, पर के उसे ये फेवर कर नहीं रहा होता, पर ये जो प्रोड्यूसर है ये उसे अब हेल्प कर सकता है। उसे डॉक्टर के बारे में और भी कुछ जानना होता है और ये स्पाइंग का काम होता है। फिर उसे कहता है कि मैं तुम्हें हेल्प करूँगा अगर तुमने भी मुझे हेल्प की। इसके लिए अब ये प्रोड्यूसर मान जाता है, उसका जो असिस्टेंट होता है उसे एक काम वो देता है। इसके बाद उसे पता चलता है कि ये जो डॉक्टर है इसके एक फियांसे भी है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रीम ने उस डॉक्टर को इनवाइट किया है ड्रिंक के लिए, वो डॉक्टर से ही उसको आस्क आउट करने के लिए बुलवा लेती है।
पर एक्चुअल में उसने ही उसे इनवाइट किया होता है। ये दोनों जब ड्रिंक कर रहे होते हैं तो डॉक्टर से कहता है कि मेरे एक फियांसे है। क्रीम फिर बोलती है मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, हम दोनों ड्रिंक तो कर सकते हैं ना। और फिर वो डॉक्टर से उसकी रिंग लेती है, वो रिंग उसके शैम्पेन में डालती है और उसे पी जाती है। वो कहती है कि तुम्हें भी इससे निकालने के लिए हेल्प चाहिए। जब रात होती है तो क्रीम के पास आकर सो जाती है। कि मुझसे पूछता है कि उस डॉक्टर में तुम्हें क्या अच्छा लगता है। वो कहती है कि मैं जैसे डिसइन्फेक्ट हो चुकी हूँ ऐसा मुझे लगता है, मैं स्टेरिलाइज हो चुकी हूँ ऐसा मुझे लगता है। के फिर वहाँ उसके साथ सो नहीं पाता और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब होता है तो क्रीम के लिए उसने बहुत सारा खाना बनाया होता है, उसके साथ उसे ये खाना होता है, पर क्रीम को उस डॉक्टर से मिलने जाना होता है तो इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। वो के को बोल कर जाती है कि तुम ये सब खा लो। फिर के जब ये सब खा रहा होता है तब उसे कॉल आ जाता है, ये डॉक्टर को कॉल होता है। क्रीम ने अपना मोबाइल घर पर ही छोड़कर वो चली गई होती है। डॉक्टर से बोलता है कि वो आज आ नहीं सकता, वो एक कैफ़े मिल रहे होते हैं। फिर के इस कैफ़े का पता ले लेता है। वो वहाँ जाकर क्रीम के पास जाकर बैठ जाता है, उससे कहता है कि वो आने नहीं वाला। वो उस पर ज़रा चिढ़ गया होता है तो क्रीम उसे बैठने के लिए बोलती है। ये दोनों फिर वही लंच करते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें केम उस प्रोड्यूसर से बात करता हुआ दिखता है। वो उसे बता रहा होता है कि डॉक्टर की जो फियांसे है उसके बारे में कुछ चीज़ें तुम्हें पता करनी है, यानी कि अगर उस पर उसे डर्ट मिल गई तो डॉक्टर की और उसकी जो रिलेशनशिप है उसे वो टूटवा सकता है। फिर हमें दिखता है डॉक्टर और उसकी फियांसे एक रेस्टोरेंट में होती है, वो वहाँ स्मोक कर रही होती है। वहाँ की वेटर उसे स्मोक नहीं करने दे रही, पर ये डॉक्टर उसके लिए एस्ट्रे मंगवाता है और इसके लिए फैसिलिटेट कर देता है। ये दोनों जो होते हैं ये बहुत ही ऑपोजिट टाइप दिखाए गए हैं। डॉक्टर जो होता है रिजर्व होता है और ये बहुत ही ओपन माइंडेड होती है। डॉक्टर को उसके साथ फन करना अच्छा लगता है, पर उसे बोलती है कि नहीं मैं अपने आप मज़ा कर सकती हूँ, मुझे तुम्हारी इतनी ज़रूरत नहीं है। पर वो उसे कहता है नेक्स्ट टाइम हम कुछ मज़ेदार करेंगे तो एक साथ ही करेंगे। के अपने जॉब पर होता है और वो फेंट हो जाता है, उसे चक्कर आती है और वो वहीं गिर जाता है। जब वो डॉक्टर के पास होता है तो क्रीम उससे मिलने आती है, उसने डॉक्टर को पहले ही बता दिया होता है कि उसे पता नहीं चलना चाहिए। जो डॉक्टर क्रीम को कहता है कि ये सिर्फ कैल्शियम डिफिशेंसी है। क्रीम फिर उसे चिढ़ती है और कहती है कि हम दोनों तो सेम खाना खाते हैं, तुम्हें कैसे डिफिशेंसी हो सकती है। के उसे कहता है कि तुम मुझसे बहुत ही ज़्यादा खाती हो इसलिए ये मुझे डिफिशेंसी है। फिर ये दोनों हंसते हैं और नेक्स्ट सीन में हमें डायरेक्टली दिखाया गया है कि डॉक्टर की जो फियांसे है उसके पास के आया हुआ है। जो प्रोड्यूसर था ये डॉक्टर की फियांसे किसी और को किस कर रही है इसके फोटो उसने निकाले होते हैं, तो ये फोटो के डॉक्टर की फियांसे को दिखाता है। उसे बोल रहा होता है कि तुम्हें तुम्हारे फियांसे से ब्रेकअप करना है, उसे वो ब्लैकमेल कर रहा होता है, पर ये बहुत ही उस पर चिढ़ जाती है और उसे मारने लग जाती है। वो जो कह रहा था वो एक करने नहीं वाला। कि उस प्रोड्यूसर के असिस्टेंट के साथ होता है, फिर ये दोनों बार में बैठे हुए होते हैं तो असिस्टेंट उसे कहता है कि मुझे बहुत ही हर्ट हो गया, डॉक्टर के फियांसे ने उसने मारा था इसलिए उसे अब दर्द हो रहा है। के भी बोल रहा है कि मैं भी हर्ट हूँ। फिर हमें यंग की का एक सीन दिखाया गया है, उसमें हम देखते हैं कि के की मदर उसे छोड़कर चली जाती है। के फादर जब मर गए थे तब उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई थी। के हमें कहता है कि उसे मेरी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं चाहिए थी इसलिए वो मुझे छोड़कर नहीं गई, पर वो बहुत ही हैरान हो चुकी थी। मुझे भी मेरे फादर की तरह बहुत सारी बीमारियां हैं तो मेरे साथ वो नहीं रह सकती थी। पर के की जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस सब का उसने ख्याल रखा होता है। फिर हमें कहता है कि लोगों को कभी भी अकेला नहीं रहना चाहिए, यह बहुत ही डेंजरस होता है। वो क्रीम को अकेला नहीं देखना चाहता इसीलिए वो डॉक्टर से उसकी शादी करना चाहता है। फिर हमें दिखता है कि डॉक्टर की फियांसे को के एक लेटर लिखता है, उस लेटर में वो सब सिचुएशन उसको एक्सप्लेन करता है। फिर ये दोनों एक कैफ़े मिलते हैं, डॉक्टर की फियांसे उसे एक कंडीशन रखती है, वो कहती है कि मुझे तुम्हारी पिक्चर्स लेनी है। एक मरते हुए आदमी की पिक्चर्स लेना उसे बहुत ही अम्यूजिंग लगता है, के भी इस शर्त के लिए मान जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि क्रीम ने के को इन्वाइट किया होता है एक डिनर के लिए, पर ये एक उनके ऑफिस का डिनर होता है, यहाँ वो डॉक्टर भी आया हुआ होता है। के ये सहन नहीं कर पाता, उससे कहता है कि मुझे एक शो रिकॉर्ड करना है, इसलिए वो उसके एक्सक्यूज लेकर वहाँ से चला जाता है। ये फिर घर पर आकर नूडल्स खाने लग जाता है। ये जब वो खा रहा होता है तभी क्रीम भी वहाँ आ जाती है। कि मुझसे कहती है कि तुम्हें तो शो रिकॉर्ड करना था, कि उसे कहता है कि मेरे प्लान बदल गए। वो क्रीम से पूछता है कि तुम तो वही रुकने वाली थी, क्रीम भी उसे कहती है कि मेरे भी प्लान्स बदल गए। फिर वो दोनों एक ही बाउल से खाना खाने लग जाते हैं। फिर हमें दिखता है कि डॉक्टर की जो फियांस है ये फोटोग्राफर, फिर ये फोटोग्राफर कैसे बोलती है कि अगर टाइम स्टॉप हो गया सब कुछ थम गया
तो इसमें तुम जी सकते हो कि क्या तुम्हें जीना नहीं है। वो उसे कहती है कि तुम जो कर रहे हो ठीक है, पर अपने ही प्यार को किसी और के हाथ में दे देना, उसकी शादी करने के लिए सब करना, ये बहुत ही ज़्यादा नहीं हो गया? के बोलता है कि हमें ये रिलेशनशिप प्रोफेशन रखनी चाहिए। फिर नेक्स्ट सीन में दिखता है कि किम डॉक्टर के पास आई हुई होती है। वो डॉक्टर से बोलती है कि मैं कल अचानक चली गई थी, तो क्या तुम मेरा वेट कर रहे थे? फिर डॉक्टर कहता है मैं वेट तो नहीं कर रहा था, पर मैं ज़रा वरी था। फिर वो उसे कहती है कि तुम मेरे लिए वरीड थे, इसका मतलब है तुम मुझसे प्यार करने लग गए हो। डॉक्टर भी इस पर हंसता है तो उसे कहती है तुम मुझसे डेफिनेटली प्यार करते हो। फिर के का जो बॉस होता है उसने के को बुलाया होता है, उसे डांट रहा होता है। के ने उस म्यूज़िक डायरेक्टर का जो एल्बम था वो उसके शो में प्रमोट किया था, पर ये उसे अलाउड नहीं था, फिर भी उसने किया था। इसी वजह से उसका ऑडिट हो गया और अब वो ट्रबल में है। फिर उसका बॉस उसे झाप रहा होता है और इसके बाद उसे वो फायर कर देता है। ये फोटोग्राफर जब के की तस्वीर ले रही होती है वो तो उसे बोलती है कि मुझे और एक फेवर चाहिए, पर पहले वो अब डॉक्टर से वो ब्रेकअप करने वाली होती है। डॉक्टर और फोटोग्राफर दोनों कैफे में मिलते हैं और वो उसे बता देती है कि हम ये शादी नहीं कर सकते। डॉक्टर कहता है मुझे गुस्सा होना चाहिए पर मैं ऐसा महसूस नहीं कर रहा, मुझे रिलीव्ड महसूस हो रहा है। हमारी फैमिली को धक्का लग सकता है पर इससे उसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। रात में डॉक्टर और क्रीम अपने डेट पर होते हैं तो क्रीम अपने फादर और मदर कैसे मर गए थे इसकी स्टोरी उसे सुनाती है। वो कहती है कि मैं स्कूल में थी, उसकी जो स्कूल होती है ये नाइट में भी होती है। फिर वो उसे कहती है कि मैं स्कूल में थी और मेरा एक टीचर आया था, उसने मुझे बताया था कि तुम्हें अब यहाँ से निकलना है, उसे डायरेक्टली हॉस्पिटल लेकर जाना चाहता था, उसके पेरेंट्स कार एक्सीडेंट में मर चुके थे। फिर वो डॉक्टर को कहती है कि फिर मुझे के मिला था, के और हम दोनों एक साथ रहने लग गए थे। वो कभी कभी मेरे मदर की तरह, कभी फादर की तरह और कभी ब्रदर की तरह, इस तरह से हम दोनों की रिलेशनशिप है। कभी कभी मैं उससे अपना लवर भी करना चाहती थी पर वो हमेशा डर जाता था। फिर डॉक्टर उसे पूछता है क्या तुम्हें किस कर सकता हूँ, और ये दोनों फिर किस कर लेते हैं। रात में क्रीम और के एक साथ होते हैं और क्रीम की वजह से उसके हाथ में एक कट आ जाता है, ये ग्लास कट होता है। फिर के अपने रूम में चला जाता है और उसे एक लेटर लिखकर नीचे से भेजती है। इस लेटर में लिखा होता है कि इसके नीचे मत देखो, और उसे सो स्टूपिड बुलाती है। जब वो उसके नीचे देखता है तो इसमें भी स्टूपिड ही लिखा होता है। के का जॉब चला गया होता है, फिर भी थोड़े दिन तक वहाँ जॉब कर रहा होता है, किम के साथ वो रिकॉर्ड कर रहा होता है। तभी वहाँ डॉक्टर भी आता है, डॉक्टर को वो ग्रीट करता है और उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जब वो जा रहा होता है तो ये म्यूजिक प्रोड्यूसर जिसको उसने हेल्प की थी वो वहाँ आता है, तो उस पर चिढ़ गया होता है। उसे कहता है कि मैं बॉस को बोलूँगा कि तुम्हें वो फायर नहीं कर सकता। के उसे कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ मैं कुछ स्टडी करने वाला हूँ, इसलिए मैं ब्रेक ले रहा हूँ। उसका उस प्रोड्यूसर का असिस्टेंट होता है, उसे पता होता है कि के साथ क्या हुआ है, इसलिए वो रोने लगता है। के की एक थ्योरी होती है जिसमें हमें बताता है कि प्यार करना ब्रश करने जैसा है, जिसमें हम इतना थॉट नहीं देते, बस कर डालते हैं। रिलेशनशिप भी इसी तरह से होती है। फिर हमें दिखता है कि क्रीम और के अपने अपार्टमेंट में हैंग आउट कर रहे होते हैं। फिर क्रीम उसे पूछती है कि मैरिज क्या होती है। फिर के उसे कहता है कि ब्रश होल्डर जो होता है वो मैरिज होता है, यानी कि वो ब्रशेस को होल्ड करता है और ये सब ब्रशेस एक ही तरह से एक दूसरे से मिल जाते हैं, वो एक ही है ऐसा हमें लगता है। के जो भी बोलता है क्रीम हमेशा वो सब चीज़ें रिकॉर्ड करती रहती है। क्रीम ने एक गाना लिखा होता है तो वो के को सुनाती है। के उसे कहता है कि जो भी तुमसे शादी करेगा वो बहुत ही लकी होगा। क्रीम उसे कहती है कि तुम्हारा जो लॉजिक है इससे तो हम दोनों ने शादी कर लेनी चाहिए। के उसे कहता है कि शादी करने के लिए तुम्हें सेरेमनी करनी पड़ती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखता है कि के और डॉक्टर कैफे में होते हैं। अब डॉक्टर और क्रीम शादी करने वाले होते हैं। वो डॉक्टर उसे कहता है कि क्रीम को तुम्हारे साथ वेडिंग शॉपिंग करनी है, तो वो उसे अपना भी सूट लेने के लिए बोल रहा होता है। के उसे बोलता है कि मैं और क्रीम दोनों साथ रहते हैं, इससे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? तो डॉक्टर कहता है कि नहीं, मुझे इससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। पर उसे कहता है ये जो तुम चीज़ मुझे अब फेवर करने वाले हो ये तुम्हारा लास्ट फेवर होगा, इसके बाद में क्रीम की सारी जिम्मेदारी मैं ले लूँगा। फिर किम और के ये दोनों वेडिंग शॉपिंग के लिए आते हैं। क्रीम उसे अपना वेडिंग ड्रेस पहनकर दिखाती है। वहाँ ग्रूम नहीं होता तो ग्रूम का जो सूट होता है वो के को पहनने के लिए बोलती है। के भी ये पहन लेता है और क्रीम फिर उसके साथ एक फ़ोटो निकालती है। उसे रुकने के लिए बोलती है पर के लिए ये बर्दाश्त के बाहर हो जाता है। वो रोने लगता है, वो ये सूट निकाल लेता है और अपने कपड़े पहनकर वहाँ से चला जाता है। रोते रोते वो स्ट्रीट में आ जाता है।
जब वो रो रहा होता है, फिर हमें दिखता है कि सब टाइम अप रुक चुका है। वो इस लम्हे में जी सकता है, पर इस तरह से उसे नहीं जीना। ये बहुत ही बैड टाइम है किसी भी टाइम को रुकने के लिए। फिर के जब फोटोग्राफर के पास होता है, तो उसे कहती है कि मेरी और एक कंडीशन है। उससे कहती है कि जब तुम मरोगे, तब मुझे तुम्हारे पास बैठना है। रात में के घर पर आता है रात में के घर पर आता है क्रीम डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर रही होती है। उसका जो मोबाइल होता है, उसकी बैटरी ख़त्म हो जाती है। फिर के का मोबाइल वो ले लेती है। वो डॉक्टर को बता देती है कि मेरी बैटरी चली गई है, इसलिए मैं तुमसे अब बात नहीं कर सकती। ये के को बहुत ही अजीब लगता है। उसे कहता है कि मेरी चीज़ें तुम ऐसे नहीं ले सकती, मेरे साथ ऐसे कुछ भी तुम नहीं कर सकती। उस पर चिढ़ जाता है और अपने रूम में चला जाता है। क्रीम भी इससे अपसेट हो जाती है। फिर ये फोटोग्राफर के से मिलने आती है। ये फोटोग्राफर और के दोनों एक फ्लावर की शॉप में आते हैं। अब के का प्लान होता है कि वो क्रीम को बताएगा कि वो एजुकेशन के लिए अमेरिका जा रहा है। वो एक कर सकता है, पर अगर क्रीम से उसने कांटेक्ट नहीं रखा तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए फोटोग्राफर के साथ एक फ्लावर शॉप में वो आया हुआ होता है। उसे बताता है कि मेरे मरने के बाद 4-5 सालों तक तुम उसे फूल सेंड करती रहो, इससे उसे शक नहीं जाएगा और कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। फिर ये फोटोग्राफर के से बोलती है कि तुम ऐसे कैसे जी सकते हो, तुम मर रहे हो और फिर भी बहुत ही दुखी हो, तुम अपने लिए हैप्पीनेस डिजर्व करते हो, तुम क्या चाहते हो। फिर के उसे कहता है कि कल मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, पर यह अब हो नहीं सकता, मैंने ड्रीमिंग करना छोड़ दिया है। जब के घर पर आता है, तो वे एक दूसरे को टेक्स्ट करने लग जाते हैं, एक दूसरे को सॉरी बोलते हैं। नेक्स्ट दिन के क्रीम के साथ आइल तक जाता है, उसे वो डॉक्टर के पास सौंप देता है और डॉक्टर की और क्रीम की दोनों की शादी हो जाती है। ये जो प्रोड्यूसर का असिस्टेंट था, यही ये स्टोरी बता रहा था। ये स्टोरी बताना वो यहाँ ख़त्म कर देता है। फिर ये सिंगर और उसका प्रोड्यूसर ये बोलते हैं कि इसके बाद क्या हुआ, ये उन्हें पता नहीं होता। ये सिंगर फिर उसके प्रोड्यूसर को कहता है कि चलो रिकॉर्ड करते हैं, पर ये अब क्रीम का ही और एक गाना रिकॉर्ड करने वाले होते हैं। फिर एक सीन में हमें दिखता है कि एक जो क्लॉक है वो पीछे घूम रहा है, यानी कि हम फ्लैशबैक में जाते हैं। अब हमें क्रीम की जो स्टोरी है वो दिखाई जाती है। ये जब सब मूवी हुई है, उसके पीछे का ये सीन है। दोनों एक साथ काम कर रहे थे और एक ही घर में रह रहे थे, तभी का ये सीन है। एक दिन क्रीम अपना सॉन्ग लिख रही होती है और उसे बहुत ही डोजी फील हो रहा होता है। उसे फिर याद आता है कि के जो गोलियां लेता है, उसने उसे बताया था कि ये गोलियां फोकस करने के लिए हेल्प करती है। फिर के की गोलियां जो होती है वो ढूंढती है, वो ले लेती है। वो लेने के बाद उसके आंखों में अंधेरा छाने लगता है, वो बहुत ही टायर्ड महसूस करती है, उसे बहुत ही इल लगता है। तो इसके लिए वो डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर फिर उसे कहता है कि ये जो गोलियां हैं ये कैंसर के लिए है। ये सुनने के बाद किम के आंखों के सामने सब अंधेरा हो जाता है। फिर उसे उसकी फैमिली कार दिखती है, इसमें उसे मदर फादर सिस्टर सब बैठे हुए होते हैं। जिस रात उनका एक्सीडेंट होता है वहाँ का ये सीन है। पर उस कार में अब उसे के भी दिखता है। ये गाड़ी में बैठकर आगे जा रहे होते हैं, क्रीम भी उनके पीछे भागती है, वो उसे पा नहीं पाती। के भी अब उसके लाइफ से दूर जा रहा है, ऐसा उसे लगता है। वो हमसे कहती है कि उसी दिन मैं मर गई थी। फिर हमें मूवी में जो सब सीन हुए हैं वो दिखते हैं। मूवी में हमें दिखाया गया था के जब घर पर आता है तो क्रीम रोने लगती है। वो उसे बताती है कि उसका सॉन्ग रिजेक्ट हो गया है, इसलिए वो रो रही है। पर उसी दिन उसे एक केक की न्यूज़ मिली थी, इसलिए वो रो रही थी। फिर हमें पता चलता है कि केक की मदर जब उसे छोड़कर चली गई थी, उसी कैफे में क्रीम भी थी। क्रीम ने उसके फादर और मदर इससे पहले लॉस्ट कर दिए थे। वो हमें कहती है कि जब उसकी मदर उसे छोड़कर चली गई थी, वो 3 घंटे तक लाश को देखकर रोता रहा। वो मुझसे ज़्यादा अकेला था, मुझसे ज़्यादा उसे किसी की ज़रूरत थी। यही रीज़न था क्रीम ने उसे पहले अप्रोच किया था। इसी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से के साथ रहने लग गए थे। फिर से हमें मूवी का फ्लैशबैक का सीन दिखता है, जिसमें रात होती है और दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। जब क्रीम के से पूछती है कि तुम्हारी विश क्या है, फिर के ने उसे बताया होता है कि एक अच्छे से लड़के को तुम ढूंढो और उससे शादी कर लो। किम फिर बोलती है कि मैंने अच्छा लड़का जो ढूंढ लिया था। वो उसे प्यार करती है, वो ऐसे अपने मन ही मन में बोलती है। फिर क्रीम हमसे कहती है कि उसकी तो यही लास्ट विश थी, तो मैं इसे कंप्लीट करूँगी। जब के फेंट हो चुका था, तब क्रीम भी उस हॉस्पिटल में आ गई थी। पर वो डॉक्टर को जब बता रहा था कि क्रीम को ये पता नहीं चलना चाहिए, तो ये उसने सुन लिया था। फिर इसलिए वो भी प्रिटेंड कर रही थी कि उसे कुछ भी पता नहीं है। वो फिर हमसे कहती है कि वो डॉक्टर से मिली, वो परफेक्ट था,
इसलिए उसने उसे एंगेजमेंट कर ली। जब के ने क्रीम से बोला था कि वो डायरी, टेबल इस तरह की चीज़ें बनना चाहता है, तभी भी क्रीम इसको रिकॉर्ड कर रही थी। वो इसके बाद रोने लग जाती है, पर अपने आंसू वो पोंछ लेती है। क्रीम के जब ऑफिस के सब लोगों के साथ डिनर कर रहे थे और के वहाँ से चला गया था, तब उसके पीछे क्रीम भी आ गई थी। उसने वहाँ डिसाइड किया था कि अगर के पीछे मुड़ा तो वो उसे सब कुछ बता देगी। उसके पीछे पीछे ही चल रही होती है, पर के कभी भी पीछे नहीं मुड़ता। जब इसके बाद वो डिनर कर रहे थे तो वो के से बोलना चाहती थी कि प्लीज़ तुम मत मरो, अगर तुम मरे तो तुमने मेरे लिए सब कुछ जो किया है इसके लिए मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जब के ने उसे कहा था कि हम सेरेमनी किए बिना मैरिड नहीं हो सकते, तो इसी वजह से अपनी वेडिंग ड्रेस की शॉपिंग में भी उसे लेकर गई थी। ग्रूम का सूट भी उसने उसे पहनने के लिए बोला और एक इमेज भी ले ली थी। जो भी मैरिड कपल करना चाहते हैं वो उसने उसके साथ किया था। फ़ोन पर सॉरी बोली थी, तो ये दोनों एक दूसरे की फीलिंग यहाँ जता रहे थे। वेडिंग डे के पहले ये जब दोनों डिशेस कर रहे थे, तब इन दोनों ने एक दूसरे से कहा था कि वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर ये बहुत ही लेट हो चुका था। वेडिंग डे पर क्रीम हमें कहती है कि वो मेरे साथ आइल तक भी आया था, मैं उसके साथ शादी कर चुकी थी। फिर जब क्रीम और डॉक्टर की शादी हो जाती है, उसके बाद एक मंथ बाद ये सीन हमें दिखाया गया है। वो के बिना जिंदा नहीं रह सकती, तो इसलिए उसने खुदकुशी कर ली थी। डॉक्टर उसकी अस्थियां रखने के लिए आया हुआ होता है। उसकी जो सब चीज़ें होती है वो वहाँ रख देता है। वहाँ के और क्रीम का फोटो भी होता है। यहाँ हमें पता चलता है कि डॉक्टर को हमेशा से पता था कि क्रीम इस के से कितना प्यार करती है। वेडिंग ड्रेस लेने के लिए के और क्रीम गए थे, वहाँ डॉक्टर भी था, ये सब वो देख रहा था। के कंप्यूटर में उसने लिखा था कि मैं बना हूँ तो मैं हेवन से तुम्हारे लिए ही बना हूँ। ये क्रीम के लिए वो लिख रहा था, पर ये डॉक्टर ने भी पढ़ा था। क्रीम का जो टेप रिकॉर्डर होता है वह उसने रिकॉर्ड करके लिखा होता है, उसके सुसाइड नोट की तरह होती है। उसे कह रही होती है कि मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हें ढूंढ ही लूँगी। प्लीज़ मुझ पर गुस्सा मत होना, क्योंकि मैंने तुम्हें यहाँ भी फॉलो कर लिया है। तुम मुझ पर गुस्सा होगे तो मैं रोने लग जाऊँगी। जब हम हेवन में मिलेंगे तब हम नहीं रोएंगे। फिर हमें सिटी का एक शॉट दिखाया गया है जहाँ ट्रैफिक वगैरह चल रही होती है और टाइम यहाँ थम जाता है। दो पंछी आकाश में घूमते हुए हमें दिखते हैं और यही ये मूवी ख़त्म हो जाती है।